स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के समान है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वो जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के समान है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं, तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर यीशु वहां से चले गए।